नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैजुअल लेबर्स हैं और पक्का करने की मांग ये काफ़ी समय से ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें पक्का करो। प्रेस क्लब की ये तस्वीरें जहां कैजुअल लेबर प्रोटेस्ट कर रही हैं। जस्टिस की मांग यहाँ करते हुए कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर और अपने आप को पक्का करने के लिए। और काफ़ी समय से जो इनकी मांगे थी वो तो काफ़ी समय से ये अपनी मांगे जो है सरकार से आगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सुन नहीं रही इनकी। तो आप ये देख सकते हैं तो काफी समय से अपनी मांगे जो हैं ये सरकार के आगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो हमेशा की तरह सुन नहीं रही इनकी। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया का जो है दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप यहां पर हमारी सुध लेने पहुंचे हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट पीडीडी को छोड़ के, क्योंकि पिछले दो चार दिनों से पीडीडी के लिए रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है, उसी के मसले में आज यहाँ पर पीएचई, म्यूनसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, उसके साथ साथ फिशरीज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कैंपा, अलग अलग डिपार्टमेंट से ये यहाँ पर चंद एक लोग जिन्हें यहाँ पर मैसेज पहुंचा और जो मेंबरशिप है वो यहाँ पर पहुंची है। आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तक मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि देश के गृह मंत्री जी ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया गया और सफाई कर्मचारी एक्ट जो है वो लागू किया गया, लेकिन ग्राउंड में उसका कोई अता पता नहीं है। आज उसी आवाज को उनको जगाने के लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है रखा गया है कि सरकार गहरी नींद से जाग जाए। जम्मू कश्मीर में 61,000 कैजुअल लेबर्स के लिए जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो जल्द